स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। अभी सुबह सुबह हम बारी आ गए हैं और देख सकते हैं अभी सूरज देवता हो गए हैं और अभी जा रहे हैं थोड़ा मकई वगैरह तोड़ने गए, उसको तोड़ के घर ले जाएंगे। चलिए आप लोगों को भी दिखाते हैं। इस प्रकार से हम लोग मकई को तोड़ रहे हैं, ये सब अभी मार्केट ले जाएंगे। अभी देख सकते हैं हम लोग का इतना एक टोकरी मकई हो गया और थोड़ा सा इधर बाकी है, इसको भी तोड़ लेते हैं। तो लगभग अभी हम लोग का पैकेट भरने वाला है, थोड़ा कम मकई हो जा रहा है तो जाते हैं अभी बगल का बारी थोड़ा सा मकई लेके। आ गए हम लोग ये लौवा वाला बारी है जिसमें हम लोग झाड़े दे रहे थे, तो अगर पिछला वीडियो देखे होंगे तो उसमें सारा सारा डर हम लोग का मर गया पानी की वजह से, और शायद कुछ बीमारी हो गया तो सारा लहर ही ख़त्म हो गया। इसमें तो कुछ किया नहीं जा सकता, किसान का ही घाटा होता है। इधर देख सकते हैं बीच बीच में मकई दिया हुआ था तो मकई भी जब तोता लोग खा रहा है, अभी थोड़ा ही देर पहले खाया हुआ है। इधर भी देख रहे हैं थोड़ा मोड़ा जो है इसमें मकई, ये सबको तोड़ देते हैं और बोरा को भरते हैं, फिर पापा जाएंगे मार्केट उसको लेके। तो कुछ इस तरह से हम लोग पैकेट को भर रहे हैं, इसमें सब मकई को हम लोग खड़ा कर रही हैं साइड से और बीच में रखते जा रहे हैं। इसी प्रकार से मकई को भर के लगभग पूरा भर गया, थोड़ा सा और मकई भरना बाकी है। तो फ्रेंड्स अभी हम ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए दिए हुए थे तो अभी बनकर हम लोग आ गया है, लगभग डेढ़ महीना पहले ही दिए हुए थे। तो भैया जी फ़ोन किए थे जिनको हम लोग बनाने के लिए दिए हुए थे, गए हुए थे जहाँ से बनवाने के लिए, तो वहाँ आ गया है तो जा रहे हैं लेके आएंगे। हेलमेट वगैरह भी ले लिए, अभी चलते हैं जाएंगे रामगढ़ से थोड़ा पहले ही जा रहे कोठार है, वहाँ पे हम लोग का कोट है वहीं पे मिल जाएगा, वहीं पे हम लोग बनवाए थे तो जाके ले लेते हैं। तो जा रहे हैं रामगढ़ जा रहे हैं कोठार से, अभी जाके ले लेंगे भैया से अपना ड्राइविंग लाइसेंस। अभी रुके हुए हम लोग यहाँ पे भेड़ा नदी नाम का एक पुल है, देख सकते हैं यहाँ का व्यू आप लोग कितना मस्त दिख रहा है, आप लोग को बैक कैमरा से दिखा। ये एक पुल बना हुआ है रोड के ही बगल से, डायरेक्ट जा रहा है और नदी के पास। ये जितना आप लोगों को देखने को मिल रहा है सब कांसी का घास है जिसमें फूल आ गया है, देख सकते हैं आप लोग कितना बढ़िया दिख रहा है। फ्रेंड्स अभी हम लोग का ड्राइविंग लाइसेंस हम लोगों को मिल चुका है, देख सकते हैं आप लोग इस तरफ से भी दिखा दे रहे हैं। और अभी हम लोग पानी में बहुत देर तक फंस गए थे जिसके कारण हम लोग का ज़्यादा लेट हो गया, तो अभी थोड़ा देर पहले हम लोग ड्राइविंग लाइसेंस ले लिए। और देख सकते हैं मेरे पीछे में बिरसा मुंडा भगवान का एक मूर्ति खड़ा किया गया है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। ये बहुत ही बड़ा एरिया है, काफ़ी बड़ा एरिया है, अभी तो घुमा के दिखाते हैं आप लोगों, लेकिन बहुत ही ज़्यादा लेट हो चुका है पानी पड़ने की वजह से। तो फिर कभी अगर समय मिलेगा तो ज़रूर आप लोगों को ये पूरा तो आप लोगों को बढ़िया तरीके से घुमाएंगे। पूरा एकदम जाम लग गया, बहुत लंबा लाइन लगा हुआ है, तो हुआ लगता लंबा लाइन लग गया कहाँ से उतार आएगा। ये हो गया बाबू इतना लंबा जाम, अच्छा उस बार का ये जाना बहुत लंबा जाम है, बहुत लंबा देख रहा है जहाँ से हम लोग आ रहे हैं एकदम वहाँ तक दिख रहा है जहाँ तक देखने को मिल रहा है जाम जाने क्या होगा। अभी एक्सीडेंट हो गया यहाँ पे सुनने को मिला,
और एक्सीडेंट में जान भी चला गया जिसका बेचारा का एक्सीडेंट हुआ, इसलिए इतना ज़्यादा लंबा भीड़ लगा हुआ है। प्रशासन देख सकते हैं चारों तरफ, अभी पुलिस वगैरह भी दिखेंगे आप लोगों को। रोड पे डायरेक्ट एकदम ट्रेलर है, घुस गया है घर के अंदर, उसमें जान भी चला गया है। कहेगा एगो गाड़ी के पानी आ रहा था तो वो बचाने के चक्कर में ब्रेक दिया, पानी भीगने के चक्कर में मोटरसाइकिल उसको भी चोट लगा, उसको बचेते बचेते रोलर है भाई झोल मारा गाड़ी घुस गया है। एगो के लेते थे मोटरसाइकिल, काफी ज्यादा भीड़ लगा हुआ है। इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ है कि गाड़ी डायरेक्ट घर के बाहर में जाके रुका हुआ है, वो तो घर का आदमी लोग अंदर घुस गया इसीलिए बच गया, लेकिन जो बाइक सवार या गाड़ी में थे जो भी थे उन लोग का एक्सीडेंट हो गया और उन लोग वहीं पे स्पॉट डेथ कर गया। देख सकते हैं जाम कितना लंबा है, लगभग हमको लगता है 3 से 4 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है पूरा रोड एकदम, हम लोग 3 से 4 किलोमीटर, वो तो बीच में हम लोग शॉर्टकट मिल गया इसीलिए जाम वाला जगह से शॉर्टकट से हम लोग निकल गए। और अभी जो भी हुआ वहाँ पे तो बातचीत चल ही रहा था और हम लोग वहाँ से निकल गए, क्योंकि ज़्यादा देर भीड़ में रुकना सही नहीं, बहुत ज़्यादा ही भीड़ था वहाँ, हम लोग लेट भी हो रहे घर जाने के लिए। तो ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग ब्लॉग को यहीं पे एंड कर रहे हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में।